असलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे अपने डेज को। सो गाइस, एक दफ़ा फिर आपके सामने एक और अच्छी सी एक्साइटिंग सी वीडियो के लिए। और टुडेज वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, कि मुझे पता है कि एक प्रॉब्लम ऐसा है जो हम सब फेस करते हैं, ठीक है। वो क्या चीज़ है, उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन, सो यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। Also, follow me on the Instagram. The handle is just right here. You can give me your suggestions, your ideas, what you want to watch, what the new things you want to add me in my videos. So, any kind of suggestion, आप मुझे इस पर दे सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो। आज की वीडियो में क्या है, बेसिकली हम सबको मोस्टली 99% लोगों को जो है डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा इची होता है, स्कार्स हो जाते हैं और मतलब इरिटेट कर देती है इस डैंड्रफ ना, स्पेशली जब आप कोई न्यू क्लोथ पहनते हैं, स्पेशली ब्लैक कलर जब आप पहनते हैं, और अगर आपके बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो वो फ़ौरन से जो है वो नज़र आती है। सो एनीबॉडी कैन सी द डैंड्रफ ऑन यू क्लोथ, ठीक है। सो अब क्या करें, तो ये तो बड़ा मसला हो जाता है कि भाई क्या करें। मुझे भी ये प्रॉब्लम रही, बहुत रही, और इसकी वजह से क्या होता था कि आपके हेयर फॉल भी शुरू हो जाते हैं। तो इसका एक नेचुरल हल है जो कि बहुत इजी है, बहुत ही सस्ता है, और हमेशा की तरह मैं ये कहती हूँ कि हमें नेचुरल चीज़ों की तरफ जाना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हमें उससे बेनिफिट उठाना चाहिए। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही इजी रेमेडी कह लें, फार्मूला कह लें, ट्रिक टिप कह लें या ट्रिक कह लें, व्हाटएवर जो भी आपको दिल चाहे कह लें, तो ये रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने यूज़ की, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, तो एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी कि अल्लाह का शुक्र कि मेरा वो स्कार्फ जो था, इचीनेस थी, ख़त्म हो गई है, और इट्स 100% वर्क। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो कि पहले मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। सो गाइस, अगर आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम है इचीनेस की, डैंड्रफ की, स्कार्फ में हो रहे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो डोंट वरी, जस्ट टेक दिस वन नेचुरल इंग्रीडियंट विच इज़ कॉल्ड द एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, ठीक है। देखिए एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, ठीक है। तो ये आप ले लें, एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, ये हर जगह आसानी से मिल जाता है। कोई भी ब्रांड आप ले लें, डजेंट मैटर कि वॉट एवर आई एम टेकिंग, बिकॉज ये यहाँ पे था अवेलेबल, सो आई टुक दिस वन, बट आपके एरिया में जो भी हो, बट मेक श्योर दिस इज द एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, ठीक है। मदर क्या होता है, छोटे छोटे से बैक्टेरियाज होते हैं, और आपको पता है कि ये जो एप्पल साइडर विनेगर है ये एप्पल से बनता है। तो एप्पल साइडर विनेगर दिस इज़ द नेचुरल इंग्रेडिएंट जो कि आपको हर जगह आसानी से मिल जाता है, और अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपको इची स्कार्फ है, तो यू कैन यूज़ इट। आपके हेयर फॉल हो रहा है, इट्स वेरी गुड, बिकॉज एप्पल साइडर विनेगर में क्या होता है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसमें आपको एक तो ये नेचुरल, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। एसिटिक एसिड की इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप कंज्यूम भी करते हैं, अपनी वेट लॉस जर्नी में भी ये आपको हेल्प करता है, आपकी इंचेस लॉस में मदद करता है, ठीक है। सो इस पर मैं आई विल डू सेपरेट वीडियो, बट इन माई टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर यू हाउ यू यूज़ दिस एप्पल साइडर विनेगर विद मदर फॉर योर स्कार्फ, फॉर इची स्कार्फ, फॉर द हेयर फॉल एंड फॉर द डैंड्रफ। आपने क्या करना है, आपने लेना है एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, ठीक है, और आपने एक लेनी है स्प्रे बॉटल इस तरह से, ठीक है, ये देखें, ठीक है, पानी। तो आपने क्या करना है कि आपने ये जो बॉटल है, स्प्रे बॉटल, इसमें आपने लेना है 1 कप ऑफ वाटर भर के, और उसमें डालना है आपने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है, 2 टेबल स्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर, और 1/4 या 1 कप भर के आपने लेना है अपना पानी, ठीक है। ये आपने क्यों लेना है, इसको आपने अच्छे से शेक करके अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी एप्पल साइडर विनेगर विथ मदर वो कभी भी डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते, ठीक है, और ना ही इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन होती है आपके बॉडी पार्ट के किसी भी एरिया में। अगर आपने ये गलती की तो इट विल बी हाईली डेंजरस, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। सो नेवर एवर यूज़ एप्पल साइडर विनेगर डायरेक्टली अदर यू आर कंज्यूमिंग और यू आर यूजिंग ऑन योर बॉडी पार्ट और एनीवेयर, ठीक है। मेक श्योर कभी भी इसको डायरेक्ट नहीं यूज़ करना है, इसको हमेशा डायल्यूट करके यूज़ करना है, ठीक है। तो आपने बस ये करना है कि आपने 1/4 कप या 1 कप भर के पानी लेना है, और 2 टेबलस्पून आपने डालने हैं
एप्पल साइडर विनीगर के, डिपेंड करता है कि आपके बालों की लेंथ कितनी है। तो जो मेरे बालों की लेंथ है उसमें तो 1/4 कप और ये इनफ होता है, बट आपका बाल लंबे हैं तो आपने 1 कप भर के ले लें। इसको डायल्यूट करें, अच्छे से शेक करें कि वो एक प्रॉपर वे में पानी के साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, अच्छे से मिक्स हो जाए बस। फिर आपने क्या करना है, इस तरह से आपने अपने बालों को और इस तरह से करना है स्प्रे। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा है तो आपने ऐसे उठा के ऐसे कर लिया इधर, और इस तरह से बाल को कवर करके छोड़ दें एटलीस्ट कम से कम 1/2 आवर। नहीं है टाइम, नहीं छोड़ सकते तो 10 मिनट्स, बट द गुड थिंग कि कम से कम आधा घंटा तो छोड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद अच्छे से शैम्पू कर लें और कंडीशनर जो आप यूज़ करते हो वो कर लें। आप देखिएगा इसको आप यूज़ करें ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से। ठीक है, आज यूज़ किया, कल नहीं करें, फिर अदर डे, इस तरह से ऑल्टरनेट डेज 1 मंथ तक आप इसको यूज़ करें, एंड देन यू विल सी द रिज़ल्ट। आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा, इची ख़त्म हो जाएगी और डैंड्रफ तो भाग जाएगी। हाँ जी, ये होता है, एंड दिस इज़ रियली रियली वर्क, 100% रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। सो ये थी रेमेडी आज की, या टिप्स कह लें, जो भी आपके साथ मैंने शेयर की। तो वो लोग जो कि परेशान हैं अपने स्कार्फ की वजह से, इची स्कार्फ, डैंड्रफ, हेयर फॉल, मस्ट ट्राई दिस रेमेडी एंड शेयर योर रिजल्ट विद मी। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी मेरी तरह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो गाइस, जाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। हाँ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे क्या होगा मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो गाइस, अब चलती हूँ, इंशाल्लाह ताला फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी सी एक्साइटिंग वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।